नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई। दोस्तों, अगर आपके पास है वीवो Y28S 5G मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो सिस्टम अपडेट करना। दोस्तों, सिस्टम अपडेट का मतलब होता है आपके मोबाइल में A to Z कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी फीचर्स चेंज होने वाले रहते हैं, तो दोस्तों आपके मोबाइल में जो है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आया होगा तो नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपको सेटिंग पे भी आपको वन लिखा रहे। तो दोस्तों, सिस्टम अपडेट करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट, तो इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में क्या वर्जन है, कितना MB का है, कितना GB का, सब यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो उस पर क्लिक करके आपको दोस्तों उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो है हमारा अपडेट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का अपडेट होने के बाद दोस्तों आपको लाइनिंग मिलेगी, वो पूरी हो जाएगी और परसेंटेज 100 होएगा। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, कोई भी बटन नहीं दबाना होगा, ऑटोमेटिक ही स्विच ऑन होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से अभी पूरा अपडेट नहीं करेंगे, तो इंस्टॉल नाउ पे अभी हम नहीं करेंगे। अगर आप करोगे तो यहाँ पे लास्ट में इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दोगे तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।